पानी नहीं इसमें डालने का। ठीक है, ये झुमका कहाँ से लिया? मैं अभी नहाने जा रही थी लेकिन मैंने सुना कि किचन में कुछ पक रहा है, तो मैंने सोचा कि नहाना कैंसिल करते हैं और पहले हम आपको कुछ रेसिपी शेयर करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं आप लोगों से कुछ रेसिपी शेयर करते हैं। तो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। स्ट्रॉबेरी का त्याग किया है मैंने, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल घंटन भी बेल घंटन भी बजा दें। तो क्या है ना कि मैं ट्रैवल करती हूँ, नए नए जगहों पे जाती हूँ, नए नए लोगों से मिलती हूँ और नए नए डिशेस खाती हूँ, और कई बारी पुराने भी आइटम होते हैं, रेसिपी पुराना होता है पर टेस्ट नया होता है। तो मेरे साथ क्या है कि कुछ भी अच्छा हो ना तो मैं उसको शेयर करती हूँ, बुरा हो वो भी शेयर करती हूँ, नो डाउट। तो आप मेरे वीडियोस में सेपरेट एक सेक्शन देखेंगे जो कि खाने से रिलेटेड होता है, और मैं फूडी हूँ, मुझे घर का बना हुआ खाना और रसोई में ऐसे पकता हुआ देखना और फिर थाली में परोस के पेट में डालना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। और मेरे जैसे कई फूडीज़ हैं जिनको जानना होता है कि कैसे बनता है, वो अपने घर पे ट्राई करते हैं, इसलिए भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से रेसिपीज़। कई लोगों को पसंद नहीं आता, वो सीधा कहते हैं क्यों ऐसा चैनल पर क्यों बना रहे हो, खाना क्यों शेयर कर रहे हो बनाना, या हमें तो कुछ और देखना है, ये क्यों दिखा रहे हो। तो आप लोग ये वाला वीडियो स्किप कर देना, रेसिपीज़ वाले मत देखना, बट मैं तो दिखाती रहूँगी, क्योंकि रेसिपी दिखाने के बहाने एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, और वो है खाना बनाने वाले की लाइफ। उनसे बातचीत करने का एक मौका मिलता है, शेयरिंग हो जाती है, और जिस काम को बहुत छोटा समझा जाता है ना, खाना ही तो बनाती है घर में, उस चीज़ की अहमियत और उसके पीछे की मेहनत भी दिखाना चाहती हूँ कि कितने प्यार से, कितने शिद्दत से खाना बनता है और समय लेता है, इट्स अ टाइम टेकिंग टास्क, और एवरी डे 3 से 4 टाइम खाना बनता है, तो उसको एवें तो मत समझो बॉस, बहुत मेहनत जाता है। चलो अभी किचन की मेहनत दिखाते हैं और रेसिपी दिखाते हैं। हम लेट तो नहीं हो गए? तो किचन में जाने से पहले हम सोच रहे हैं कि आज किचन के शेफ से मिल लेते हैं कि आज कौन कुकिंग कर रहा है और क्या बना रहा है। कौन है भाई आज किचन में? नीता, हेलो, ये हाय मेरे लिए या उधर के लिए? उनके लिए। उनके लिए? और मुझे इग्नोर कर दोगे? नहीं, आपके लिए। ठीक है, तो आज शेफ है हमारी नीता, क्या बना रहे नीता भी? आज ग्रीन चिकन और ताम्र रस्सा। ग्रीन चिकन एंड ताम्र रस्सा। ताम्र रस्सा क्या होगा? चिकन का रस्सा। और मेरा क्या होगा? वेज। अच्छा, कब बनाया? अच्छा, मेरा ऑलरेडी रेडी है। अच्छा जी, तो देखो आज जो मैं खाने वाली हूँ वो तो रेडी हो चुका है, तो जो किचन में पक रहा है, हमारा तो सिद्धांत है कि जो पकेगा हम वो दिखाएंगे, खाएंगे नहीं पर दिखाएंगे, ठीक है। चलो जी किचन में एंट्री करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके मुंह पे तो पानी ही पानी भर चुका होगा और वो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, और हम जैसे लोग कह रहे होंगे राम राम राम, ये रतन क्या करने जा रही है, अब ये नॉन वेज दिखाएगी रेसिपी। देखो क्या है ना कि हम कितना भी ऐसे आग बंद कर लें पर खाने वाले तो खाते हैं ना, हम देखें या ना देखें, तो हम सोच रहे हैं कि चलो दिखा देते हैं, नॉन वेजिटेरियन का कुछ भला हो जाएगा। आज हम क्या बनाएं? पहले मैं नहीं बताऊंगी, शेफ मुझसे पूछ रही है पहले क्या बनाए। भैया आप हो उस्ताद, आप जो चाहे बनाओ, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या बनाओगे? ताम्र रस्सा। ताम्र रस्सा, ठीक है। पहले हम लोग बना रहे हैं ताम्र रस्सा। चिकन, चिकन मसाला फ्राई करके रखा है। फ्राई करके रखा है। चिकन को डीप फ्राई किया या बस हल्के तेल में फ्राई कर लिया, ठीक है। और ये मसाला है, टमाटो, अदरक, लहसुन, कांदा, खोबरने। हाँ, खोबरा। देखा, महाराष्ट्र में आकर मैं समझ गई हूँ कि खाने में खोबरा, पीनट ये सब तो होता है, इसमें पीनट्स नहीं है बट इसमें है लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक अनि खोबरा। इधर छोड़, थोड़ा सा प्याज काट करके रखा है, थोड़ा सा धनिया पत्ती। यार तुम लोगों का खाना इतना टेस्टी होता है और मसाला बहुत कम होता है, कैसे?
हाथ से कुछ स्वाद ऐसे जादू करते हो क्या? हाँ। और ये मसाला चिकन चिकन मसाला डालते हैं। गरम पतीले में पहले प्याज डाला है। ये मैंने महाराष्ट्रियन किचन से सीखा है कि बिना तेल के पहले थोड़ा सा कांदे को भूनते हैं, उसके बाद तेल ऐड करते हैं। जो मैं खाने वाली थी वो मुझे नहीं दिखाया कुकिंग करते हुए, और मुझे वो दिखा रहे हैं जिसको मैं खा ही नहीं सकती हूँ। सिर्फ मुंह में ऐसे लगेगा क्या क्या स्वाद होगा। प्याज में अभी डाला ऑयल, अभी पीसा हुआ मसाला डाला। सुनो भाई, सीक्रेट सामने आया है कि ये जो प्याज लहसुन अदरक खोबरा और टमाटर, ये जो पिसा गया है सब थोड़ा सा सेका था। तेल डालकर नहीं, सूखा बस, सूखा बस सेक कर उसके बाद इसको पिसा गया है। खोल है, खोल हल्दी, थोड़ी मिर्ची, महाराष्ट्र नाजुक मसाला यानी कि लाल चटनी, एक चम्मच दही, अभी डाल रहे चिकन मसाला। खाना रेडी हो रहा है। मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ तो मैं जल्दी से झटपट चार बार सब छोड़ के भाग आई, लेकिन मैंने एक गड़बड़ किया। मुझे बहुत तेज आ गई थी पर मैं यहाँ आ गई, तो अब मुझे इमरजेंसी कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। तो आगे का रेसिपी नीता कंटिन्यू कर देगी। नीता बता दोगी ना? हाँ। बस थोड़ा ज़ोर से बोलना, जैसे बच्चों के साथ बात करते हैं, ज़ोर ज़ोर से, दूर खड़े बच्चे, यहाँ दूर खड़े बच्चे, ठीक है? नीता बहुत धीरे बोलती है ना, इसलिए बता रही हूँ कि ज़ोर से बोलना। स्टीम किया हुआ चिकन इसमें डालना, नमक, उबला हुआ पानी, अब उसमें थोड़ा सा ढक्कन रख के गरम पानी डालना इसमें। चलो जी, तो उम्मीद है कि नीता ने आपको बता दिया होगा आगे का प्रोसेस। तो अभी वो उबल रहा है, और इधर ये क्या कर रहे नीता? ग्रीन चिकन बनाने जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ इधर मैरिनेट करके रखा हुआ है। हाँ। क्या क्या है इसमें? आलू लहसुन पेस्ट। आलू लहसुन पेस्ट क्या होता है? आला लहसुन बोले तो अदरक और लहसुन। अच्छा, अदरक और लहसुन। मेरे जैसा इंसान तो इसमें आलू पीस कर डाल देता। आला लहसुन पेस्ट तो आलू का क्या मतलब होता है? अदरक आलू बोलते हैं। हाँ, आले बोलते मराठी में, आले बोलते हैं। हाँ। ठीक है जी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और हल्दी और कुछ नमक। ठीक है, और इसमें अभी कोई मसाला दूसरा नहीं है? नहीं। ठीक है, कितनी देर छोड़ा है इसको? सुबह रखा था। मतलब आराम से 5-6 घंटे तो हो गए। हाँ, 2-3 घंटे तो रखना ही, 3 घंटे, 2-3 घंटे तो रखना ही चाहिए। ये मसाले में क्या क्या है? अदरक हरी मिर्च, धनिया, मतलब धनिया पत्ती। हाँ, धनिया पत्ती। हाँ, ओके। खोबरे, लहसुन, कांदा। देखो प्याज कितना थोड़ा सा पड़ रहा है पर इतना टेस्ट आएगा। अभी डाला इसमें ऑयल, पीसे हुए मसाले को डाल रहे हैं। हरी मिर्च खांसी, या खांसी के भी अब प्रकार बताने पड़ते हैं, क्योंकि खांसी से सब लोग कोविड से डर जाते हैं, तो बताना पड़ेगा। ये सरकने वाला, मतलब क्या होते हैं, पानी अटकने वाला खांसी, ये मिर्ची खांसी, नींद आ गई फिर, बिना फिल्म देखे नींद आ गई। हमारे नेता साउथ इंडियन फिल्म बहुत देखती है। थोड़ी हल्दी, दे यूज लिटिल मसाला, मतलब मसाला कम होता है, खाने का स्वाद ज़्यादा रहता है। प्रोपोर्शन का सारा मुझे लगता है कि कुकिंग में इम्पॉर्टेंस है। मैं तुम्हारा कान का झुमका देख रही हूँ अभी। ये खाना तो है नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो उससे ज़्यादा तुम्हारे झुमके पे है। लेकिन आप ओवर बोल रहे कि ऑयल भी ज़्यादा वो फ्राई करेंगे ना। हाँ। सिर्फ मसाला। हाँ। तो टेस्ट अच्छा आती है। अच्छा। हाँ। काली मिर्च, चिकन मसाला, अब मैरिनेटेड चिकन को इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक। अच्छा, मैरिनेशन में डाला था इसके थोड़ा। मैं नीता से पूछ रही हूँ, नीता इतनी शांत कैसे हो? मुझे राज चाहिए, मैं शांत नहीं हूँ ना।
चपर चपर बोलती हूँ बहुत ज़्यादा, उछल के बोलती हूँ। पहले से ही शाम? पहले से ही। तो कब होती हो ऐसे तूफान अशांत, कब होती हो? कभी नहीं। कभी नहीं? ये सीक्रेट बताओ, ये तो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। पता है यहाँ सब लोग शांति की तलाश में आते हैं, बोलो ना। ये थी को, इसको कहते हैं शांति, कोई ऐसा नहीं है। नो रिस्पांस। नो रिस्पांस। ये पता है क्या कौन सा वाला रिएक्शन है? जब इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमको आंसर नहीं करना होता है, तो हम बस हाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। खाना टेस्टी इसलिए भी बनता है क्योंकि ये सारे जो सेंसेस है ना, इंद्रिय, सारे सेंसेस खाने में रहते हैं। शांत भाव से खाना बनाते हैं। हंसना चाह रही हो? हंस लो, हम नहीं दिखाएंगे, सब्जी में नहीं दिखाएंगे, पर इसको ढककर छोड़ देंगे। मैं अगर इतना खाना बनाती हूँ ना तो मैं बहुत फैलाती हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे ना मैं ये सब क्यों दिखाती हूँ, कैसे, ये सब सीखती भी हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। मैं बोलूँ तो आपको यकीन तो होगा नहीं कि इतनी क्विकली इतने शांति से खाना बन जाता है। तो लो देखो भैया, मैं फ्रिज देख रही हूँ यहाँ पे, हाँ पीछे, और मैं सोचा यहाँ फ्रिज कैसे आया होगा। तो फ्रिज कैसे लाए थे? उठा के नीचे हम एक बैकपैक उठाकर लाएंगे ना तो सांसें चढ़ जाती हैं, और ये इतने लाइटली इधर है ना मयूर, सिर्फ दो लोग ये फ्रिज उठाकर लेते आते हैं। और कितना टाइम लगा था? 10-15 मिनट। भाई ये लोग उड़ते हैं कि चलते हैं भगवान जाने, बट आप जब आएंगे और अपना बैकपैक उठाकर आ रहे होंगे और आपको अगर थकान होगी तो बस सोच लेना कि अमित और मयूर फ्रिज उठाकर कैसे लाए होंगे, तो आपकी थकान सारी भाग जाएगी। खाना बनाते में आते कितने सारे गप्पे शप्पे होते हैं, तो इसलिए हम बनाते हैं रेसिपी वीडियो। चिकन पकने में कितना टाइम लगता है? मैरिनेट किया हुआ है इसलिए थोड़ा जल्दी पक जाएगा। पानी नहीं इसमें डालने का। ठीक है, ये झुमका कहाँ से लिया? चिकन की तो भैया फॉर्मेलिटी हो रही है, तेल लेने गया चिकन। झुमका कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? दुकान से। अरे दुकान से तो लिया, पर कहाँ से? वाई से लिया। बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। तो ये लो जी, नॉन वेजिटेरियन थाली रेडी है। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे काफ़ी तरह का आपको नॉन वेज मिलेगा खाने को। और मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, रेसिपीज़ क्यों शेयर करती हूँ, इसके मैंने कई कारण दिए हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि कई लोगों को वेजिटेरियन खाना मेरा देखकर लगता है कि अरे यार यहाँ नॉन वेज नहीं मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी मैं दिखाती हूँ वेज, क्योंकि मैं वेज खाती हूँ इसलिए वेजिटेरियन थाली दिखाती हूँ, पर नॉन वेजिटेरियन भी है। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि इंक्वायरी स्टार्ट हो गया है यहाँ के लिए, सब लोग पता कर रहे हैं यहाँ आना चाहते हैं। और एक इंक्वायरी में तो ये भी पूछा गया, भैया आप लोग सिर्फ वेज बनाते हैं क्या, नॉन वेज नहीं है? तो इन्होंने बताया कि हम तो नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत कुछ बनाते हैं, उस्ताद हैं। तो लो ये है एग्जाम्पल आपके लिए, ये है आर्नी पार्नी, ये है ग्रीन चिकन, और ये है रस्सा। तो ये है एक मेन्यू, बाकी आप लोग को यहाँ बहुत कुछ खाने को मिलेगा। तो ये है नॉन वेजिटेरियन थाली, और मैं नॉन वेज खाती नहीं हूँ लेकिन देख के बता सकती हूँ कि ये काफ़ी टेस्टी है और बहुत प्यार से बनाया गया। आप लोग अगर नॉन वेज खाते ही हैं तो कभी ऐसे रेसिपी ट्राई कीजिए बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी और ये वीडियो दोनों पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम।